मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके ईवीएस में हम आपका चैप्टर 4 हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे वर्किंग टुगेदर, जिसका नाम है। अब आज हम करेंगे आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सोल्व करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है उसको राइट टिक करना है और यहाँ फिल करना है। ये मैंने आपको फिल करके बता दिए गए हैं आपके, इसमें इनकी फ़ोटोज़ में आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगी। आगे है आपका बी पॉइंट में, फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बुक्स। यहाँ हमें फिलअप्स करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला है हमारा, पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन गुड। पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या सिखाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी हैबिट्स मतलब आदतें, गुड मैनर्स और अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, अच्छा आचरण सिखाते हैं। मदर्स लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन व्हेन दे फॉल सिक। मम्मी अपने बच्चों का ध्यान रखती है जब वो बीमार हो जाते हैं। वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स इन द फैमिली। हमें अपने घर के जो परिवार के जो बड़े लोग होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पेरेंट्स बाय क्लोथ्स एंड बुक्स फॉर अस। पेरेंट्स हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं और हमारे लिए किताबें खरीदते हैं। आगे है आपका सी पॉइंट में ट्रू और फॉल्स। जो सही है उसके सामने हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है, टी और एफ हमें लिखना है उसके लिए। फर्स्ट है आपका, ऑल द पीपल इन अ फैमिली वर्क हार्ड टू अर्न मनी। घर के सभी लोग बहुत परिश्रम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ये फॉल्स है। क्योंकि वो किसके लिए मेहनत करते हैं, सब एक दूसरे के लिए करते हैं और एक दूसरे को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ईच पर्सन हैज़ अ स्पेशल रोल इन द फैमिली। फैमिली में हर एक व्यक्ति का स्पेशल रोल होता है, ये हमारा ट्रू है तो हमने टी लिखा है। ग्रैंड पेरेंट्स वर्क इन एन ऑफिस और रन अ बिजनेस। दादा दादी होते हैं वो ऑफिस जाते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, ये फॉल्स है हमारा। क्योंकि हमारे पापा ऐसा काम करते हैं जो घर का खर्चा चलाते हैं, कब पैसे कमाते हैं। अवर ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस स्टोरीज ऑफ फियरफुलनेस। हमारे जो दादा दादी होते हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं डरावनी डरावनी, नहीं ये भी फॉल्स है आपका। वो हमें रात को सोते समय कहानियाँ सुनाते हैं लेकिन ऐसी नहीं सुनाते हैं, है ना, डरी हुई डरावनी कहानियाँ। आगे आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू थिंग्स योर फादर डज फॉर यू। हमें वो दो चीज़ें लिखनी है जो हमारे पिताजी हमारे लिए करते हैं। तो उसका आंसर देखिए आपका फर्स्ट का, फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। हमारे पिताजी परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। ही वर्क्स इन एन ऑफिस और रन अ बिजनेस। वो किसी ऑफिस में, वो एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस करते हैं। तो एक काम तो ये हो गया पैसा कमाने के लिए, उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस में काम किया और क्या किया, और क्या करते हैं पापा हमारे, ही ऑल्सो हेल्प्स इन मैनी हाउस होल्ड वर्क्स। घर के कामों में भी वो मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू थिंग्स योर मदर डज फॉर यू। दो हमें काम लिखने जो हमारी मम्मी करती है। मदर कुक्स फूड एंड मैनेजेस द होम। मम्मी खाना पकाती है और हमारे घर को व्यवस्थित करके रखती है, है ना। मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन व्हेन दे फॉल सिक। और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है मम्मी, कब करती है, जब बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं तब। नेक्स्ट है आपका, राइट एनी टू थिंग्स योर ग्रैंड पेरेंट्स डू फॉर यू। इसका आंसर है हमारा यहाँ थर्ड क्वेश्चन का, अवर ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस बेड टाइम स्टोरीज एंड टीच अस गुड थिंग्स। हमारे दादा दादी क्या करते हैं, हमें सोते समय, बेड टाइम का मतलब है सोते टाइम, हमें कहानियाँ सुनाते हैं और अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स यू डू ऑन योर ओन। वो हमें काम लिखने हैं दो जो आप खुद अपने आप से करते हैं अपने घर में। जैसे वाटरिंग द प्लांट्स, हमने इसका आंसर ये लिखा है फोर्थ का, ये रहा ये आपके फोर्थ का आंसर इधर। वाटरिंग द प्लांट्स मतलब पौधों में पानी डालना, रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार होना। अब यहाँ है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राइट फोर लाइन्स अबाउट योर पेरेंट्स। हमें चार लाइनें हमारे पेरेंट्स के बारे में लिखनी है। तो देखिए मैंने लिखी यहाँ, माय पेरेंट्स आर वेरी गुड, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। दे लुक आफ्टर आवर फैमिली, वो हमारे परिवार की देखभाल करते हैं, दोनों ही देखभाल करते हैं। मम्मी घर पे रह के देखभाल करती है और बहुत सी मम्मियाँ कमाने भी जाती है, जॉब भी करती है और घर की देखभाल भी करती है। और पापा घर के लिए ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका, माय मदर सिंग्स फॉर मी व्हेन आई गो टू स्लीप। और जब सोने का टाइम होता है तो मेरी मम्मी मेरे लिए गाती भी है, लोरी गाती है ना, सबकी मम्मियाँ सुनाती हैं बच्चों को, तो मम्मी ने हमारी मम्मी हमारे लिए ये भी करती है। आगे, आई लव देम द मोस्ट, और मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये चार लाइनें हमने लिखी है अपने पेरेंट्स के लिए। तो आज आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, आपका जो ए पॉइंट है या तो आपको बुक में ही फिल करना है, ए वाला ये आपको बुक में ही फिल करना है ना। और आपके जो फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और क्वेश्चन आंसर हैं।
ये भी हमने लगा दिए हैं आपके क्वेश्चन आंसर, बट आप आज आपको सिर्फ होमवर्क में क्या क्या करना है, आपका बी पॉइंट और सी पॉइंट, आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं।